अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएनटी। आज की वीडियो स्पेशली एमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए जो नेशनल एमडीकेट का एग्जाम देना चाहते हैं। आप एंट्रेंस टेस्ट कब देने जा रहे हैं, इस साल एंट्रेंस टेस्ट किस सिलेबस से होगा और आप कैसे इसको प्रिपेयर कर पाएंगे, जो रिपीटर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो फ्रेशर्स हैं उन्हें क्या करने चाहिए, इस सबको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। नेशनल एमडीकेट 2021, इस बार एमडीकेट पूरे पाकिस्तान में एक ही एग्जाम होने जा रहा है, जिसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.pmc.gov.pk/pmctest/mdcat। इस पोर्टल के ऊपर अब उन्होंने आपसे ऑनलाइन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है, इसे बाज लोग एमडीकेट की रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं। ये प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन है, प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन से मुराद ये है जैसे आप किसी काम के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर और चंद जरूरी डिटेल्स के साथ आप रजिस्टर हो जाएंगे। इसका मकसद क्या है, क्या ये एमडीकेट की फाइनल रजिस्ट्रेशन है? बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी डिटेल्स को यहां पर भरते हैं पीएमसी की साइट पर, तो उनका मकसद इससे ये है, नंबर वन कि कितने स्टूडेंट्स इस बार अप्लाई करेंगे एमडीकेट, उस नंबर को जानना, उसके लिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना, और क्योंकि COVID-19 सिचुएशन है तो ये तादाद को देखकर फैसला किया जाएगा कि क्या ये टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सकता है या फिजिकली ही करना मुमकिन होगा। ये तमाम बातें इससे तय होंगी, इसलिए आपसे अर्ली रजिस्ट्रेशन मांगी गई। ये काम इससे पहले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज भी करती रही हैं। यूईटी इसी किस्म की एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए टू अप्लाई फॉर वेरियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। ये एग्जैक्टली उसी तरह की चीज है, ये फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को इसमें लाजिम रजिस्टर करवा लेना चाहिए ताकि अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या पढ़ना है, सिलेबस कौन सा है, ये बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज। तो मैं आपको इसके बारे में दो चीजें बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं मुखातिब हूं जो रिपीटर्स हैं, जो अपने आप को रिपीटर्स कहते हैं, यानी उन्होंने लास्ट ईयर एंट्रेंस टेस्ट दिया और अब वो कहां से पढ़े, उनके पास वक्त भी है, उन्हें एफएससी इंप्रूव नहीं करना। तो बेटा आपकी गाइडलाइन है 2020 का नेशनल एमडीकेट सिलेबस, 2020 के सिलेबस को कोर सिलेबस मानिए, और मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि आप इसके अलावा कंप्लीट बुक को पढ़िए। क्यों? आपके पास चांस नहीं है, आपने नम्स का एग्जाम भी देना है, आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी देना है, इसके लिए आपको मुकम्मल प्रेपरेशन करनी है फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव बुक्स। दूसरी कैटेगरी जो फ्रेशर्स हैं, जो भी एफएससी सेकेंड ईयर के इम्तिहान देंगे, मेरी आपको एडवाइस ये है, फिलहाल आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपने पार्ट वन का इम्तिहान नहीं दिया, ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन आपको प्रमोट कर दिया गया पार्ट टू में। अब आपके पार्ट टू के आने वाले मार्क्स ही उन्हीं की एवरेज पार्ट वन में ली जाएगी, उसी तरह के मार्क्स पार्ट वन में अवॉर्ड किए जाएंगे। तो जब तक आप एफएससी में अच्छे नंबर नहीं लेते, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपकी एलिजिबिलिटी भी बने एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आपने अपने एफएससी के एग्जाम्स के बाद एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि एमडीकेट होना कब है, इसके बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं, अब हो रहा है, इम्तिहानों से पहले हो रहा है, इम्तिहानों से बाद हो रहा है। बेटा ये कंफर्म है कि एमडीकेट तब होना है जब पूरे पाकिस्तान में एफएससी सेकेंड ईयर के इम्तिहान मुकम्मल हो चुके हों, विच मीन्स कि लास्ट वो सबसे एंड पर कराची में एग्जाम लिए जाते हैं, सिंध बोर्ड के एग्जाम होते हैं, और वो 16 अगस्त को जाकर के खत्म हो। इसका मतलब है जितना मर्जी अर्ली करना चाहें, ये एग्जाम 3rd week of August से पहले नहीं हो सकता। लेकिन कीपिंग इन व्यू द कोविड सिचुएशन, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट एंड लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सच अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बेटा आई थिंक दैट इट वुड बी कंडक्टेड समवेयर इन सितंबर, नॉट बिफोर सितंबर। सो सितंबर मिड से लेकर अक्टूबर मिड के दरमियान ये हो सकता है। अगर आप नेशनल एमडीकेट के बारे में मजीद कोई मालूमात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमडीकेट, ये कब होने जा रहा है, इसमें क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिल सके।